ग्रीस के कल्चर फेस्टिवल में मोनिका ने लहराया भारत का झंडा। कल्चर्स फेस्टिवल का हाल ही में ग्रीस में आयोजन किया गया था। इस कला संस्कृति कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नंदुरबार की मोनिका मीना को प्राप्त हुआ था। इस दौरान उन्होंने विदेशी देश ग्रीस में भारतीय कला संस्कृति की रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस तरह की जानकारी एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोनिका मीना ने बताया है। कल्चर्स फेस्टिवल में देश से 5 कलाकारों को चयनित किया गया था, जिसमें से एक खानदेश कन्या तथा नंदुरबार विधि महाविद्यालय की छात्रा मोनिका मीना ने भारत का प्रतिनिधित्व कर देश की महान संस्कृति का परचम 7 समंदर पार लहराया है। मोनिका मीना ने भारतीय संस्कृति के दर्शन ग्रीस के राजनेताओं और नागरिकों के सामने किया है और भारत की संस्कृति से सबको मोहित कर दिया है। मोनिका ने कहा कि ग्रीस के प्रतिनिधित्व के साथ राज्यपालों से बात करके भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी दी और उन्हें नेशनल आइकॉन अवार्ड चिन्ह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह से ग्रीस में आयोजित हॉट मॉडल मिसेस इंडिया स्पर्धा के अंतिम चरण में शामिल होने का मौका मिला था और मोनिका मीना को मिसेस पॉपुलर का खिताब प्राप्त हुआ था, जिसके चलते ग्रीस सरकार के राज्यपाल व नागरिकों ने मोनिका मीना को सम्मानित किया है।